आमिर खान इन दिनों सुर्खियों में है, जिसका कारण कोई अपकमिंग फिल्म नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और फातिमा फिल्म दंगल में बाप और बेटी की किरदार में नजर आए थे। पिछले दिनों दोनों का पिकल बॉल खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इससे भी दोनों के जल्द शादी करने की कयासों ने जोर पकड़ लिया था। नेटिजन्स ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा था, मम्मी नंबर 3 आने वाली है। वही दोनों को साथ देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक्टर की डेटिंग की अफवाहें तेज हो गई थी और फैंस अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे थे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और दंगल फेम एक्ट्रेस फातिमा सना शेख फिर से चर्चाओं में है। दोनों के जल्द निकाह करने की बात कही जा रही है। वैसे इस बात की अटकलें तब से ही लग रही है जब आमिर खान ने किरण राय से तलाक लिया था। वही अब इस मामले में बॉलीवुड एक्टर KRK ने नया दावा किया है कि आमिर खान अपनी को स्टार रह चुकी एक्ट्रेस फातिमा सना से शादी करेंगे, जो कि उनकी तीसरी शादी होगी। दोनों के जल्द निकाह का दावा कमाल राशिद खान उर्फ KRK ने किया है। असफल अभिनेता KRK अलग अलग अंदाज में फिल्मों की समीक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। 25 मई 2023 को किए गए एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ब्रेकिंग न्यूज, आमिर खान जल्दी अपनी बेटी की उम्र फातिमा सना शेख से शादी करने जा रही हैं। आमिर खान अपनी फिल्म दंगल के समय से ही सना को डेट कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखते ही लोगों ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया और एक्टर को ट्रोल करना भी शुरू किया। इसी के चलते KRK ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आमिर खान इस उम्र में शादी कर सकते हैं तो मैं दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता। एक्टर के इस ट्वीट के बाद लोगों ने पहले तो उन्हें करेक्ट करना शुरू किया कि तीसरी शादी होगी, तो वे आमिर खान और फातिमा के फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू किया। हालांकि अब ये ट्वीट हटा दिया गया है। आपको बता दें कि YRF के ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में साथ काम करने के बाद से आमिर खान और फातिमा सना की जोड़ी पर फैंस की नजरें थी। वही दोनों की डेटिंग की भी अफवाहें उड़ी थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो आमिर खान ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी रीना दत्ता थी, जिनसे उनकी बेटी ईरा और बेटा जुनैद है, जबकि दूसरी शादी किरण राव से की थी, जिनके साथ उनका सरोगेसी के जरिए बेटा आजाद राव खान है। वही साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया। बता दें कि 2021 में जब आमिर खान और उनकी दूसरी बीवी किरण राव ने अपनी 15 साल की शादी को खत्म कर तलाक लेने का फैसला लिया, तब भी सोशल मीडिया पर दंगल फेम अभिनेत्री फातिमा सना शेख ट्रेंड होने लगी थी। लोग आमिर खान के साथ उनका नाम जोड़ने लगे थे। यहाँ तक कि लोगों ने फातिमा सना शेख को आमिर खान और किरण राव के तलाक की वजह तक बता दिया था। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो फातिमा सना शेख और आमिर खान को बधाई देते हुए ये कामना तक कर डाली थी कि उनका रिश्ता लंबा चले। गौर करने की बात यह भी है कि दोनों के जल्द निकाह करने की खबरें सोशल मीडिया में पहली बार नहीं आ रही है। इससे पहले कहा जा रहा था कि दोनों अप्रैल 2022 में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद निकाह कर लेंगे। बॉलीवुड की खबरें देने वाली वेबसाइट कोई मोई ने दावा किया था कि आमिर खान अपनी नई फिल्म से लोगों का ध्यान भटकाना नहीं चाहते हैं और हाइप बने रहने देना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी तीसरी शादी की घोषणा लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद ही करेंगे। हालांकि आमिर खान और फातिमा सना शेख ने इन खबरों को अफवाह बताया था। आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आए थे। टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गम पर आधारित इस फिल्म में आमिर के साथ एक्ट्रेस करीना कपूर भी मेन लीड करते हुए नजर आई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद आमिर खान को बड़ा झटका लगा। नतीजा ये हुआ कि एक्टर ने कुछ समय के लिए एक्टिंग से दूरी बनाने का फैसला लिया और अब एक्टर अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।